हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, जिसको लगभग 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के हिसाब से बनाया गया है। और यह क्रिकेट स्टेडियम हमारे देश का ही नहीं बल्कि विश्व का मेगा इंजीनियरिंग मार्वल और स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही यह स्टेडियम दर्शकों की क्षमता के हिसाब से सभी प्रकार के खेलों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टेडियम है। आपको बता दें कि विश्व के सबसे बड़ी स्टेडियम दर्शकों की क्षमता के हिसाब से रनग्राडो फर्स्ट ऑफ मे स्टेडियम है, जो कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में स्थित है, जिसकी क्षमता ऑफिशियली 1,50,000 है। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण गुजरात राज्य के अहमदाबाद में किया गया है। दिनांक 24 फरवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। इसके साथ ही अमित शाह ने ऐलान किया है कि इस स्टेडियम का नाम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। अतः मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को अब ऑफिशियली नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि अहमदाबाद को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस वीडियो में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के विशेषताओं और इसके निर्माण कार्य के प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दिनांक 24 फरवरी 2021 को इतिहास लिखा जा चुका है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि 63 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है, जिसकी आधिकारिक सीटिंग कैपेसिटी लगभग 1,32,000 दर्शकों की है। यह विशालकाय क्रिकेट स्टेडियम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अधीन आता है और यह मेगा प्रोजेक्ट हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस मेगा प्रोजेक्ट के निर्माण की चर्चा सर्वप्रथम वर्ष 2014 में की गई थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। इस परियोजना के अंतर्गत इस स्थान पर पुराने क्रिकेट स्टेडियम को पूरी तरीके से डिमोलिश करके उसके स्थान पर नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना पर सहमति जारी हुई और अमित शाह उस समय गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो कि वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री हैं, ने उस समय इस परियोजना के कार्यभार को संभाला। और अमित शाह जी के गाइडेंस के अंतर्गत GCA के फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री परिमल नथवानी और श्री जय शाह, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी एट GCA और वर्तमान में BCCI के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने इस परियोजना के निर्माण कार्य की देख रेख और यह सुनिश्चित करने का कार्यभार संभाला कि इस परियोजना के निर्माण के दौरान विश्व स्तरीय क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए। वर्ष 2019 में GCA में नए टीम का चुनाव हुआ और वाइस प्रेसिडेंट श्री धनराज नथवानी को चुना गया और इस क्रिकेट स्टेडियम का फाइनल टच श्री धनराज नथवानी के नेतृत्व के अंतर्गत दिया गया। यह क्रिकेट स्टेडियम 32 ओलंपिक साइज सॉकर फील्ड्स के बराबर है। इस स्टेडियम की संरचना में इस्तेमाल किए गए प्रीकास्ट कंक्रीट मटेरियल का वजन लगभग 1,00,000 मैट्रिक टन है, जो कि 10 आईफिल टावर्स के वजन के बराबर है। इस स्टेडियम में प्रीकास्ट वाई कॉलम समावेशित है और प्रत्येक कॉलम का वजन लगभग 260 टन है, जो कि लगभग 65 एशियाई हाथियों के बराबर है। प्रत्येक वाई कॉलम की हाइट लगभग 10 मंजिली इमारत जितनी ऊंची है। इस स्टेडियम के निर्माण में लगभग 14,000 मैट्रिक टन स्टील का यूज किया गया है, जो कि लंदन के टावर ब्रिज में इस्तेमाल किए गए स्टील के बराबर है। इस क्रिकेट स्टेडियम की अवधारणा रिनाउंड ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्ट फर्म पॉपुलस द्वारा किया गया है एवं इस क्रिकेट स्टेडियम का डिजाइन और निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया गया है, जो कि एक भारतीय निर्माण कंपनी है। इस स्टेडियम में 11 पिचों का निर्माण किया गया है, जिनका निर्माण लाल और काली मिट्टी से किया गया है और यह विश्व की इकलौती क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें मेन पिचेस और प्रैक्टिस पिचेस पर एक समान सॉइल का इस्तेमाल किया गया है। यह विश्व की इकलौती क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें 4 ड्रेसिंग रूम्स हैं, अर्थात इस क्रिकेट स्टेडियम पर बैक टू बैक मैचेस एक दिन में किए जा सकते हैं। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए मॉडर्न तकनीक के जिम का प्रावधान है। इस क्रिकेट स्टेडियम के अंतर्गत स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया गया है, जो कि बारिश रुकने के 30 मिनट के अंदर पूरे मैदान के पानी को बाहर कर देगा और आउटफील्ड पूरी तरीके से सूख जाएगा। अतः बारिश के पश्चात वेट आउटफील्ड के कारण मैच कैंसलेशन नहीं होगा। इस क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स को टावरों की बजाय इस स्टेडियम के छत पर इंस्टॉल किया गया है, जिसके अंतर्गत LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है और यह शेडोलेस लाइट प्रोवाइड करेगा, अतः रात में खिलाड़ियों की परछाई नहीं बनेगी। इन लाइटों के कारण 50% बिजली की बचत होगी। इस क्रिकेट स्टेडियम के अंतर्गत 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस का निर्माण किया गया है, जो कि विश्व में किसी भी स्टेडियम में सबसे ज्यादा है।
और प्रत्येक कॉर्पोरेट बॉक्स की सीटिंग कैपेसिटी 25 है। इस स्टेडियम के अंतर्गत 360 डिग्री पोडियम कॉन्कोर्स का निर्माण 9 मीटर हाइट पर किया गया है, जो कि दर्शकों के स्मूथ मूवमेंट को सुचारू रखेगा। इसके साथ ही किसी प्रकार की इमरजेंसी में इवैक्यूएशन के समय जरूरी साबित होगा। अगर इसकी अगली विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दो विशालकाय 55 मीटर और 35 मीटर पेडेस्ट्रियन रैंप्स का निर्माण किया गया है, जो कि स्मूथ एंट्री और एग्जिट को सुनिश्चित करेगा। इस स्टेडियम के अंतर्गत फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स के लिए विशालकाय पार्किंग लॉट का निर्माण किया गया है। अगर इस स्टेडियम के कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यह अहमदाबाद के प्रमुख मार्गों और BRTS से वेल कनेक्टेड है और यह बहुत ही जल्द मेगा मेट्रो प्रोजेक्ट से भी वेल कनेक्ट हो जाएगा। इस स्टेडियम के अंतर्गत क्रिकेट एकेडमी का प्रावधान है, जो कि क्रिकेटर्स के ट्रेनिंग के लिए कार्यबद्ध होगा। इसके साथ इसमें इंडोर प्रैक्टिस पिचेस, दो सेपरेट प्रैक्टिस ग्राउंड विथ स्मॉल पेविलियन एरिया, इसके साथ ही क्लब हाउस विथ 50 डीलक्स और 5 स्वीट रूम्स और एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, रेस्टोरेंट, जिम्नेशियम और एक 3D प्रोजेक्टर थिएटर इत्यादि फैसिलिटीज प्रदान की गई है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रभावित है। भविष्य में इस स्टेडियम परिसर के अंतर्गत मल्टीपल स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल इत्यादि के मैदानों का निर्माण किया जाएगा। यह क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के साथ हमारे देश का गर्व है और यह आइकॉनिक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विश्व के खेलों के क्षेत्र में हमारे देश का लैंडमार्क बन चुका है। दिनांक 24 फरवरी 2021 को इस स्टेडियम का उद्घाटन हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया जा चुका है, अलोंग विद द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात श्री आचार्य देवव्रत एंड ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह। इसके साथ ही प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री किरण रिजिजू और ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री नितिन पटेल। और 24 फरवरी 2021 को इस क्रिकेट स्टेडियम पर पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया। इस नए विशालकाय क्रिकेट स्टेडियम के रिकंस्ट्रक्शन के लिए ओल्ड स्टेडियम का डिमोलिशन अक्टूबर 2015 से प्रारंभ हुआ। L&T द्वारा नए क्रिकेट स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन का कार्य दिसंबर 2016 से प्रारंभ किया गया और इसके निर्माण में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के टिकट प्राइस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू BCCI, वर्तमान में इस क्रिकेट स्टेडियम का टिकट प्राइस मिनिमम 300 रुपए से शुरू होता है, जो कि अधिकतम 2500 रुपए तक है। यह टिकट प्राइस एक दिन का है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और शेयर जरूर करें। अपना कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।